हे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि दुनिया की सबसे अंडररेटेड स्किल कौन सी है जिसके बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए लेकिन होती नहीं उतनी बात, तो वो स्किल है लीडरशिप स्किल्स। बिकॉज आप ही देखो, अगर आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा अमीर बनना है तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन है? सब लीडर्स है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, ये सारे लोग क्या है? लीडर्स है। लाइक पॉलिटिक्स में भी जो लोग होते हैं वो लोग कौन होते हैं? वो लोग लीडर्स होते हैं। अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए ना, तो भी आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। इनफैक्ट लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा कर पाओ, बड़ी चीजें अचीव कर पाओ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे लीडर बनो। बिकॉज अगर आप अच्छे लीडर नहीं बनते हो अपनी फील्ड में, तो क्या होगा? दूसरे लोग आपको लीड करने लगेंगे और आप अपनी जिंदगी उनके हिसाब से बिताने लगोगे। आप वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे जो एक्चुअली आप करना चाहते हो, बल्कि आप हमेशा बस वही चीजें करते रहोगे जो दूसरे लोग चाहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, आप अच्छे लीडर बन पाओ अपनी जिंदगी में। इनफैक्ट जॉन सी मैक्सवेल, जिन्हें इंक मैगजीन ने एक बार नंबर वन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोला था, वो बोलते हैं कि आपकी जिंदगी में आप जितनी भी चीजें कर पाओगे वो तभी कर पाओगे अगर आप एक अच्छे लीडर बनोगे। और जितनी आपकी लीडरशिप स्किल होगी उतनी ही आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे, और अगर आपकी लीडरशिप स्किल्स कम होगी तो आप बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। और इसी चीज को समझते हुए उन्होंने पूरी एक बुक लिखी है, 21 इमिटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, जिसके अंदर उन्होंने 21 लॉज बताए हैं जो हर एक इंसान को फॉलो करने चाहिए अगर वो चाहता है कि वो लाइफ में एक बहुत बड़ा लीडर बने और बड़ी बड़ी चीजें कर पाए, बड़े बड़े विजन देख पाए और बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पाए। आज मैं आपके साथ उन 21 लॉज में से ही कुछ लॉज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक बड़े लीडर बन पाओ। सबसे पहला लॉ जो जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं, उसे बोलते हैं द लॉ ऑफ लिड। लिड बेसिकली वो क्या बोलते हैं, देखो एग्जांपल समझो, आपकी जिंदगी 0 to 1 अगर आप स्केल करने जाओगे कि हाँ 0 मतलब आप जिंदगी में बहुत वर्स्ट कर रहे हो और 10 मतलब आपकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है, तो समझो आपकी जिंदगी में जो आपकी लीडरशिप स्किल है ना, वो समझो 5 लेवल पे है, तो आपकी जिंदगी में आप जो चीजें अचीव कर पाओगे ना, वो भी 5 लेवल तक ही कर पाओगे और उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये एक लिड होगी जो आपको जिंदगी में बड़ी चीजें अचीव करने नहीं देगी। वहीं आपका जो लिड होता है, जो लीडरशिप स्किल होती है, वो अगर समझो 8 लेवल पे है, तो आप अपनी जिंदगी को भी 8 लेवल पर लेके जा पाओगे, बिकॉज आपके अंदर उतनी कैपेसिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉटल है और वो बॉटल की कैपेसिटी है समझो बस 1 लीटर, तो आप कितना भी ट्राई कर लो 5 लीटर पानी उसके अंदर घुसाने का, 5 लीटर पानी उसके अंदर नहीं आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली जो आपकी जिंदगी की भी क्वालिटी है ना, वो उतने लेवल तक ही पहुंच पाएगी जितने लेवल तक आपकी लीडरशिप स्किल होगी, जितना आपका लीडरशिप का जो लीड होता है ना उसका लेवल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लीडरशिप की जो लीड होती है ना, उसको ऊपर और ऊपर लेके जाते रहो। और ये बुक और ये सारे लॉज जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस लीड को ऊपर लेके जाने में। हर एक चीज आपकी जिंदगी, हर एक चीज डिपेंड करती है आपकी लीडरशिप स्किल पे। और इससे रिलेटेड ऑथर जॉन सी मैक्सवेल एक एग्जांपल बताते हैं। उनके एक दोस्त थे जो मल्टी बिलियनर थे, वो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते थे। तो जॉन सी मैक्सवेल उनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पूछ रहे थे, बेसिकली उनके जो दोस्त थे ना जो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी में काम करते थे, जिनकी बहुत बड़ी कंपनी थी, वो लोग क्या करते थे कि जितनी भी कंपनीज लाइक खराब काम कर रही है और बंद हो जा रही है, लाइक बैंकरप्सी हो जा रही है, तो ये ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी वाले क्या करते थे कि वो लोग उसको जाके खरीद लेते थे, उनको बाय कर लेते थे, और उस बैंकरप्ट कंपनी को क्या करते थे, उसको वापस रिमॉडिफाई करते और फिर उसे प्रॉफिट वाला बनाते थे और उससे बहुत सारे पैसे कमाते थे। और ये चीज वो लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली करते रहते थे। तो एक बार वो जॉन सी मैक्सवेल क्या उनका ही इंटरव्यू ले रहे थे, जो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी के जो सीईओ थे यार, सबसे बड़े इंसान थे ना, उनका ही वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उनसे उन्होंने पूछा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी एक चीज आप बताओ जो आप लोग हमेशा करते हो, लाइक आप जो लॉस में जा रही बैंकरप्ट कंपनी है उसे जब खरीदते हो, तो ऐसी कुछ तो चीजें होती होगी ना लाइक स्पेसिफिकली जो आप हमेशा करते होंगे, जो एकदम लाइक लॉ जैसी होगी कि ये तो करना ही पड़ेगा तभी जाके वो जो बैंकरप्ट कंपनी है वो वापस से अमीर बन पाए, वो वापस से पैसे कमा पाए। तो उन्होंने बोला हाँ ऑब्वियसली हम लोग दो चीजें करते हैं। पहली चीज हम लोग ये करते हैं कि हम लोग है ना जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं, उनको वापस से ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कैसा? पीपल स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं उनको कि कैसे लोगों को खुश करना है। बिकॉज उन्होंने नोटिस किया था, रिसर्च में एक बात पता चली थी कि 90% लोग जो लोग होटल में जाते हैं और वापस वहां पे कभी नहीं जाते, उसका एक मेन सबसे बड़ा रीजन ये होता है बिकॉज उन्हें उनकी सर्विस पसंद नहीं आई होती है। लाइक जो भी होटल्स के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्होंने शायद अच्छे से उनसे बात नहीं की होती है, उन्हें अच्छा फील नहीं कराया होता है, उनसे बहस हुई होती है, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से ही 90% लोग जो वापस से वो होटल में नहीं जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज वो लोग ये करते थे कि जितने भी लोग होटल में काम करते थे उन सारे लोगों को वापस से ट्रेनिंग देते थे कि कैसे अच्छे से बात करना है, कैसे आपको मुस्कुरा के बात करना है, हाई नॉच एकदम बेस्ट सर्विस देनी है लोगों को, ताकि वो लोग वापस आ सके उस एक्सपीरियंस के लिए। ये चीज वो लोग पहली चीज करते थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पॉइंट से रिलेटेड है, वो ये करते थे कि उस होटल का जो भी प्रेसिडेंट होता था ना, सबसे पहले वो उसे फायर कर देते थे। अब ये चीज सुनने में काफी हार्श लगेगी कि यार कैसे यार, सीधा लिया और सीधा प्रेसिडेंट को मतलब फायर ही कर डाला डायरेक्ट, ना उसको एक्सक्यूज देने का टाइम, ना कुछ भी करने का टाइम, सीधा वो लोग फायर कर देते थे। बिकॉज वो बोलते हैं कि एक लीडर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बार लोग है ना हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि यार मैं होटल चला नहीं पा रहा हूं बिकॉज ये रीजन था, वो रीजन था, पैसे कम थे या ये थे, लेकिन एक लीडर का काम होता है कि वो एक्सक्यूजेस से हटके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और चीजों को अच्छे से कर पाए। मतलब प्रॉब्लम्स तो सबके पास होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम से लड़ के उसका सलूशन निकाल पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये भी बोला कि देखो, अगर ये जो होटल था वो बैंकरप्सी में गया है इसलिए बिकॉज उसका जो लीडर था ना, वो लीडर अच्छा नहीं था। अगर लीडर अच्छे होते हैं ना, तो लीडर लोग कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के, कुछ ना कुछ करके उसे प्रॉफिटेबल बना ही लेते हैं। बेसिकली ये स्टोरी से वो यही बता रहे थे कि जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या कोई भी बड़ी चीज अचीव करने के लिए। और वो जो ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी के जो बड़े सीईओ थे, वो यही बोल रहे थे, इट इज ईजी टू गो फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस रेदर देन एक्सक्यूज टू सक्सेस। मतलब एक बार अगर आप फेल हो जाते हो, तो फेलियर
से सक्सेस की तरफ जाना आपका आसान है, लेकिन अगर आप एक्सक्यूज में फंसे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो कई बार क्या होगा, आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे, इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट। इसीलिए और जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, वो लोग एक्सक्यूज पे इसलिए फोकस नहीं करते, वो लोग सक्सेस पे फोकस करते हैं, वो लोग रिसोर्सफुलनेस होने पर फोकस करते हैं, क्या उनके पास है, वो सारी चीजों का यूज करके वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मुझे याद आ गई कि कर्नल जनरल थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है, बट ना वो क्या करते थे कि वो हमेशा ना जाके ना वो सर्च कर रहे थे कि उनकी पोजीशन वापस से कौन ले सकता है। लाइक छोटे जो जनरल्स होते थे, वो जो कोलोनल थे आई थिंक, सो ऐसा कोई तो बड़े रैंक वाला ऑफिसर था, वो चाहते थे कि उनकी कोई जगह ले सके, तो वो हमेशा जाके ना हर हफ्ते वो इंटरव्यूज मतलब बात करते थे, देखते थे कि कौन उनकी जगह ले सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जितने उनसे जो नीचे लेवल के थे उन सबको बुलाया, उनसे पूछना स्टार्ट किया कि तुमको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और क्या चीज में मैं आपको इंप्रूव करके दे सकता हूँ, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते थे उनसे। तो जितने भी थे वो लोग आगे आके बोलते थे कि यार यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करवा दो, पानी का बहुत प्रॉब्लम है, आप इस पे काम करवा दो। ऐसे ही सब लोग अपने अपनी प्रॉब्लम्स गिनाने लग गए उनको। लेकिन एक जो जर्नल था ना, वो आया और उन्होंने क्या किया, उसने बोला कि सर देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन हम हर एक चीज को हैंडल कर ले, आप जरा भी फिक्र मत करो, हर चीज चंगा सी एकदम परफेक्ट है, हम लोग खुद सब चीज हैंडल कर ले रहे हैं और मैं हर चीज को अच्छे से हैंडल कर ले रहा हूँ। ये एटीट्यूड होता है। उसने क्या किया, वो जो बड़े जनरल थे उसको हाई पोजीशन पे लेके आया। क्यों? बिकॉज एक लीडर का मेन काम यही होना चाहिए कि वो सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद से निकाल सके, रेदर देन दूसरों को ब्लेम करने पे या फिर बस कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है करने के। इसलिए लॉ नंबर वन, द लॉ ऑफ लीड, यही बोलता है कि जितना हो सकता है आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करने पे काम करो। जितना आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होगी उतना आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, और ये करने के लिए आप चार चीजों पे फोकस कर सकते हो। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट पीपल स्किल। जितना आप लोगों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे उतना आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। या जो स्टोरी भी मैंने बताया था ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को पीपल स्किल सिखाया सबसे पहले। और एक जो लीडर भी होता है ना, उनके अंदर हमेशा देखना आप पीपल की जो स्किल होती है, पीपल को मैनेज करने की जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तभी तो वो लीडर बन पाता है, तभी तो लोग उनको फॉलो करते हैं, तभी तो वो लीडर उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है वो काम कराने के लिए जो काम होने चाहिए। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली चीज पीपल स्किल। नाउ वैसे तो पीपल स्किल के लिए भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स है जो पढ़ सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक बुक जिसके ऊपर हमने वीडियो बुक भी बनाई है, वो है एक सिंपल सी बुक 1 मिनट मैनेजर, जो बहुत क्लासिक बुक है जिसके अंदर बहुत सिंपल वर्ड्स में सिखाया गया है कि कैसे आप लोगों को 1 मिनट 1 मिनट के अंदर लोगों को मैनेज कर सकते हो। लाइक कोई भी एम्प्लॉय हो उसको आपको कैसे 1 मिनट के अंदर मैनेज करना आना चाहिए, कैसे उससे काम करवाना चाहिए, कैसे उसे खुश रखना चाहिए। ज्यादातर लोग कैसे होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, या तो वो लोग ऑटोक्रेटिक होते हैं या तो डेमोक्रेटिक होते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब बेसिकली वो लोग जो हमेशा सिर्फ कंपनी का सोचते हैं कि कैसे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ऐसे मैनेजर्स लोग यूजुअली रिजल्ट्स तो दे देते हैं लेकिन लोग इनसे बहुत नफरत करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ये लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं एक डेमोक्रेटिक मैनेजर्स। ये मैनेजर्स हमेशा ना कंपनी से ज्यादा लोगों पर फोकस करते हैं, लोग हमेशा खुश है कि नहीं, और कई बार इसके वजह से क्या होता है, लोग तो इनसे खुश होते हैं लेकिन वो कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। जबकि इसके अपोजिट जो 1 मिनट मैनेजर होता है वो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर पाता है और लोग भी उससे खुश रहते हैं। तो ये सारी चीजें 1 मिनट मैनेजर में एक्सप्लेन करी गई है अच्छे से डिटेल में कि कैसे आप भी 1 मिनट मैनेजर बन सकते हो। मैनेजर बनना बेसिकली एक लीडर बनना, अगर आप लोगों को मैनेज कर पाओगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे लीडर भी बन सकते हो। सो उससे रिलेटेड हमने वीडियो बुक भी रेडी करी है, अगर आप उस बुक में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ले सकते हो। हमने इस बुक के ऊपर 3 दिन का ऑफर रखा है, जो ऑफर में आपको ये बुक काफी सस्ते में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर चेकआउट करो। सेकंड चीज एक अच्छा लीडर बनने के लिए जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आपको स्ट्रेटेजीज बनाने आना चाहिए, आपको प्लान करना आना चाहिए। जब तक आप अच्छे से प्लान नहीं कर पाओगे, स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाओगे, तब तक आप अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। थर्ड चीज होता है विजन। आपके अंदर विजन देखने का पावर होना चाहिए। ज्यादातर लोग जो अच्छे लीडर नहीं होते हैं वो लोग यूजुअली विजन देखने में अच्छे नहीं होते हैं। वो लोग ये नहीं देख पाते कि वो लोग 5-10 साल में क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं, वो कहां अपने आप को 5-10 साल में देखना चाहते हैं। उनका जो विजन होता है वो इतना ब्रॉड नहीं होता है, जबकि एक अच्छे लीडर का हमेशा जो विजन होता है ना वो बहुत लंबा होता है। आप कभी भी एक अच्छे लीडर से पूछना कि आप अपने आपको 10 साल बाद 20 साल बाद कहां देखना चाहते हो, तो आपको कई बार अच्छे से बता देंगे कि मैं अपने आपको 10 साल में यहां देखना चाहता हूं, मैं ये चीजें अचीव करना चाहता हूं 10 साल में, जिसकी वजह से ही फिर वो लोग अच्छे से प्लान कर पाते हैं, स्ट्रेटेजीज बना पाते हैं। और फोर्थ चीज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है रिजल्ट। मतलब बेसिकली आप काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, और रिजल्ट्स कितने अच्छे आप निकाल पाते हो। जितने अच्छे आप रिजल्ट्स निकाल पाओगे उतने अच्छे ही आप ऑब्वियसली लीडर बन पाओगे। नाउ ये चार चीजें जो है, उन चारों चीजों में आपको अपने आपको रैंक देना है 0 to 10 तक। आप देखो अपने आप कितने लेवल पे हो, जितना ज्यादा आपका हायर लेवल होगा लीडरशिप में इन चारों चीजों में उतना आप अच्छे लीडर बन पाओगे। तो आपको दो चीज करनी है, पहले तो अपने आपको रैंक करो खुद से इन चारों चीजों में कि आप कितने अच्छे हो 0 to 10 में, और फिर अपने आपको रैंक करने के बाद आप किसी एक जेन्युइन इंसान से क्वेश्चन पूछो कि आपके हिसाब से 0 to 10 में मैं कहां स्टैंड करता हूं, ताकि आप उस चीज से इवैल्यूएट कर सको और अपने आप को इंप्रूव कर सको। सेकंड लॉ एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर जो होना चाहिए वो है द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं द मोर इन्फ्लुएंस यू हैव ऑन अदर्स द मोर पोटेंशियल ऑफ योर लीडरशिप विल बी। लीडरशिप और कुछ नहीं, बस आपका मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस है, नथिंग मोर नथिंग लेस। मतलब आप कितना लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कितना आप लोगों को अपनी बात मनवा सकते हो, कितना आप अच्छे से उनसे काम करवा सकते हो, यही मतलब आपका जो इन्फ्लुएंस का पावर है ना वही लीडरशिप है, और कुछ भी नहीं है। जितना आप अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाओगे लोगों को उतने अच्छे आप लीडर बनोगे। अब देखो कई लोगों की गलत फहमी रहती है कि लीडर
बेसिकली वो होता है जिसके पास एक बड़ा टाइटल होता है, लाइक ये सीईओ है तो ये बहुत अच्छा लीडर होगा, ये सीओओ है तो बहुत अच्छा लीडर होगा। यूजुअली लीडरशिप को लोग टाइटल से मिसजज करते हैं, बट एक्चुअली में ये सही नहीं है। जो लोग बेसिकली सिर्फ सीईओ है इसके जैसे लोग बात मान रहे हैं, इसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस का पावर आ रहा है, बिकॉज ये सीईओ है इसीलिए लोग उसकी बात फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत लो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं पांचवें लेवल का होता है। सबसे कम लेवल क्या होता है, पोजीशन, कि आप कौन से पोजीशन पे हो। कई बार देखना आप लोग ना जस्ट बिकॉज हायर पोजीशन पे है इसलिए उसके नीचे वाले लोग उसकी बात मानते हैं और पीठ पीछे उसे गालियां देते हैं, उसे गधा बोलते हैं कि यार कितना बेवकूफ मैनेजर मिल गया है, कितना बेवकूफ ये इंसान है, अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाता है। हाँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका पोजीशन है इसलिए लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। जब तक लाइक एकदम फोर्स ना हो जाए उनके ऊपर, तब तक वो चीजें उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना पोजीशन वाला, वो सबसे लो लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है। सेकंड लेवल जो होता है वो होता है परमिशन। इसके अंदर आपके रिलेशनशिप कुछ ऐसे बिल्ड हुए रहते हैं जिसकी वजह से आप बात मानते हो, और ज्यादा कुछ इसके अंदर कुछ खास बात होती नहीं है। थर्ड लेवल होता है प्रोडक्शन। आप एक इंसान की बात मानते हो बिकॉज वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शायद एक आदमी है जो इतना आपको पावरफुल नहीं लग रहा, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये इंसान रिजल्ट्स तो ला देता है। हाँ, इसने बोला ना कि ये मेरे साथ काम करेगा और इतना आपको कमा के दे ही देगा, लाइक आपको इतनी सेल्स करवा के दे ही देगा, इसलिए मतलब रिजल्ट्स के बेसिस पे लोग उसको उससे इन्फ्लुएंस होता है। ये होता है थर्ड लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। फोर्थ होता है पीपल। मतलब वो एक लीडर इतना अच्छा होता है कि ना जो रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है वो सेम रिजल्ट्स वो दूसरों को भी सिखा सकता है, ताकि वो लोग भी वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाए। ये होता है टॉप सेकंड का लेवल का इन्फ्लुएंस, जो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंसियल लगता है, जो अच्छा हायर लेवल है। और सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है रिस्पेक्ट वाली इन्फ्लुएंस। इसके अंदर क्या होता है, लोग इतना ज्यादा आपकी आपके रिजल्ट्स देख चुके हैं, इतना ज्यादा आपको चीजें करते हुए देख चुके हैं, इतना ज्यादा आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए देख चुके हैं आपकी बातों, लाइक आप इतने अच्छे लीडर हो कि आपने इतने सारे लीडर्स को प्रोड्यूस किया है, जो लोग अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो दूसरे लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये होता है सबसे टॉप लेवल का इन्फ्लुएंस जो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप टॉप लेवल ऑफ लीडर बनो, तो आपको सबसे हाईएस्ट पे एम करना चाहिए, जो है रिस्पेक्ट के ऊपर, ना कि टाइटल, ना कि पोजीशन, ना कि परमिशन, ये सारी चीजों से नहीं। आपको सबसे हाईएस्ट चीज पे एम करना चाहिए, जो है रिस्पेक्ट का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ये बोलते हैं कि देखो कई बार ना लीडरशिप की भी ना अलग अलग स्किल्स होती है, लाइक नेविगेशन, और आपको आगे पता चलेगा कई सारे अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं। लेकिन बात यह है कि हर एक लॉ हर एक इंसान फॉलो नहीं कर पाएगा, हर एक चीज में हर एक इंसान अच्छा नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन सी चीज में अच्छे हो और कौन सी चीज में कोई और अच्छा है, आप दूसरे लीडर्स प्रोड्यूस कर पाओ और वो दूसरे लीडर के ऊपर काम आप डेलीगेट कर पाओ। जॉन सी मैक्सवेल अपना ही एग्जांपल देते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा नेविगेटर नहीं हूँ। नेविगेटर इन द सेंस मतलब किसी भी अपनी टीम को या कोई भी चीज को कराने से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने का जो होता है ना काम, वो चीज मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। और कई बार मैं देखता हूँ मेरे दूसरे जो लोग हैं, मेरे टीम मेंबर है, वो मुझसे अच्छे नेविगेशन लीडर है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने काम को, फॉर एग्जांपल आपको किसी को किसी एक इंसान का एक आईडी बनाना है, उसके एड्स रन करने हैं फॉर एग्जांपल, तो कई बार ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने का जो काम होता है ना, वो कई बार बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको देखना है कि कौन लोग उसके अंदर अच्छे हैं, और आपको अपनी टीम को उस मेंबर को जो उस चीज में अच्छा है उसे वो काम दे देना चाहिए। बिकॉज एक अच्छा लीडर वही इन्फ्लुएंशियल लीडर होता है जो उस चीज में बहुत अच्छा हो और वो वही चीज करे जिसके अंदर वो बहुत अच्छा हो, और जिस चीज में वो वीक हो वो उस चीज के काम को दूसरों को डेलीगेट कर दे। अब अच्छा इन्फ्लुएंस करने के लिए आप सात चीजों पर फोकस कर सकते हो। पहला कैरेक्टर, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा नॉलेज, चौथा इंट्यूशन, पांचवा एक्सपीरियंस, छठा पास्ट सक्सेस और सातवा एबिलिटी। ये सात चीजों पर काम करके आप अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हो। एक अच्छा लीडर बनने का जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ है वो है द लॉ ऑफ प्रोसेस। एक बार क्या होता है कि जॉन सी मैक्सवेल के पास एक लड़का आता है, एक बच्चा सा आता है, यंग एंथुजियास्टिक बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। वो आके पूछता है कि प्लीज सर एक काम करिए, मुझे इसको एक ऐसी चीज बता दीजिए जो मैं फॉलो करना स्टार्ट करूं और एक बहुत अच्छा लीडर बन जाऊं। तो इसके ऊपर जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं कि वो एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जो एक चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, वो एक चीज जो आपको एक बहुत अच्छा लीडर बना देगा, वो ये है। वो ये बात को समझना है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए कोई एक चीज नहीं बल्कि आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बुक का एग्जांपल ले लो, इस बुक के अंदर मैंने वन थिंग नहीं बोलाऊंगी आपको, बस ये एक चीज फॉलो करना है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। उन्होंने इस बुक के अंदर 21 थिंग्स बताया, अलग अलग चीजें बताई है जिसकी हेल्प से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। देखो ज्यादा लोगों की मेंटेलिटी ये होती है ना कि उन्हें बस कोई एक बात पता चले, एक छोटा सा ट्रिक मालूम पड़ जाए, कुछ तो मालूम पड़ जाए जो वो एक चीज को फॉलो करके वो बहुत अच्छे लीडर बन जाए, बहुत सारी चीजें कर ले, बहुत सारे पैसे कमा पाए। बट सच तो ये है कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको कई सारी चीजों को समझना जरूरी है, और वो कई सारी चीजों का मिक्सचर ही होता है जो कि इंसान को ग्रेट लीडर बनाता है, ग्रेट सक्सेस देता है। देखो वो बोलते हैं कि माइक्रोवेव लीडरशिप पॉसिबल नहीं है। माइक्रोवेव में कैसा, आप कोई चीज लेते हो, उसको डाल देते हो, टाइमर सेट कर देते हो, टाइमर के बाद वो चीज आके गर्म हो जाती है, पक जाती है, उसको आप खा लेते हो। ऐसा लीडरशिप ऐसी चीज नहीं है कि आपने बस डाला निकाला और बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। लीडरशिप के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और वो कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती है। और अगर आप 21 लॉज जो है वो फॉलो करोगे तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा 90% 95% लोगों से अच्छे लीडर बन पाओगे। तो याद रखो अच्छे लीडर वही होते हैं जो लोग समझते हैं प्रोसेस के पावर को। वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो लोग सक्सेस एक दिन में अचीव करेंगे, बल्कि वो लोग डेली प्रोसेस पे काम करते हैं। ज्यादातर लोग है ना ओवर एस्टिमेट करते हैं इवेंट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव कर लिया तो एक इवेंट है, वो ओवर एस्टिमेट करते हैं उस इवेंट को, जबकि वो प्रोसेस को
अंडर एस्टिमेट करते हैं प्रोसेस, इन द सेंस हर हफ्ते वीडियो बनाना, हर हफ्ते व्लॉग बनाना। जैसे बहुत से लोगों को लगता है ना कि यार इवेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि एक माइलस्टोन्स अचीव करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोसेस को इंजॉय करना। आप खुद ही सोचो, दो व्लॉगर्स है समझो, एक व्लॉगर जो है ना वो जेन्युइनली ट्रैवल करने को इंजॉय करता है, वो फिल्म मेकिंग प्रोसेस को इंजॉय करता है, वो पूरा वीडियो बनाने के प्रोसेस को इंजॉय करता है, इसलिए वो डेली कर पाता है। बताओ, वो एक तरफ वो इंसान है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो जिसको लगता है यार व्लॉग में बहुत पैसे है, उसको बहुत सारे लोग देते हैं, बस इसलिए वो चालू कर देता है। तो बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा इंजॉय कर पाएगा प्रोसेस को, और कौन ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा लॉन्ग टर्म में? ऑब्वियसली जो फर्स्ट इंसान था वही कर पाएगा। क्यों? बिकॉज वो प्रोसेस के पावर को समझता था, ना कि रिजल्ट्स और इवेंट्स के। कई बार लोगों को लगता है ना कि यार मैं एक बुक वो पढ़ लूंगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, कई बार ऐसा लगता है एक कोर्स खरीद लूंगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बट एक्चुअली में ना वो कोर्स देखना, बुक पढ़ना सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज को अचीव करने का एक प्रोसेस होता है। एक अच्छा लीडर बनना भी एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको काफी सारा टाइम देना पड़ता है। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे धीरे धीरे, उतने अच्छे आप धीरे धीरे लीडर बन पाओगे। इसलिए प्रोसेस के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ग्रोथ होती है उसके पांच फेजेस होते हैं, और वो पांच फेजेस से गुजर के ही आप बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हो। पहला फेज होता है नॉट नोइंग व्हाट यू डोंट नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैंने पहली बार रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, उससे पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि अमीर बनने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं था कि लायबिलिटीज और ये सारी चीजें क्या होती है, और उसके बारे में मुझे कोई भी क्लू नहीं था। तो बेसिकली नॉट नोइंग व्हाट यू डोंट नो सबसे पहला फेज होता है लोगों का, जो प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। अच्छा, सेकंड फेज ये होता है नोइंग व्हाट यू नीड टू नो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने जब रिच डैड पुअर डैड पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स पे फोकस करना चाहिए और लायबिलिटीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि एसेट्स क्या क्या चीजें होती है, बट मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि मुझे क्या चीज पता करनी है। मुझे पता करना है कि एसेट्स कौन से टाइप के होते हैं। नाउ इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली, मैंने डाला था 21 एसेट्स दैट विल मेक यू रिच, या आई बटन में मैं डाल दूंगा, आई बटन कहीं तो होगा, वहां पे जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वो 21 एसेट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में अमीर बनाएंगे, ठीक है? तो ये सेकंड फेज होता है। थर्ड फेज होता है नोइंग व्हाट यू डोंट नो। हमें समझ में आता है कि क्या चीजें हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली। लाइक मुझे पता ही नहीं था कि इन एसेट्स को, जो मुझे पता तो चल गया कि हाँ मुझे एसेट बनाना है, लेकिन एसेट्स को अपनी जिंदगी में कैसे अचीव करना है मुझे ये नहीं पता था। और फिर फोर्थ स्टेप होता है नोइंग ग्रोइंग एंड स्टार्ट्स टू शोइंग। मतलब एक बार मुझे पता चल गया कि हाँ एसेट्स इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पता चल गया कि एसेट्स मुझे कैसे बनाने हैं, और फिर मैंने एसेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, बेसिकली मुझे पता चलने के बाद वो एसेट्स मुझे पैसे कमाने लग जाएंगे और मुझे वो चीज के रिजल्ट्स मुझे दिखने लग जाएंगे। ये होता है फोर्थ फेज ग्रोथ का। और लास्ट सबसे फिफ्थ फेज होता है सिंपली गोइंग बिकॉज ऑफ व्हाट यू नो। एक बार आपको सिर्फ सारी चीजें पता चल जाती है, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाता है, आप उसे प्यार करने लग जाते हो, फिर रिजल्ट फिर अपने आप आपको दिखने लग जाते हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेशन पे चले जाता है। बस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लॉ ऑफ प्रोसेस की, जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक अच्छा लीडर बनने के लिए जो फोर्थ लॉ आपको फॉलो करना होगा वो है द लॉ ऑफ नेविगेशन। अब देखो, बाहर की कहावत है कि एनीवन कैन स्टीयर द शिप बट ओनली फ्यू कैन चार्ट द कोर्स। मतलब बेसिकली क्या है कि जो शिप का हैंडल होता है ना वो कोई भी संभाल सकता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा लेफ्ट जाना है राइट जाना है, ऐसा कोई बोलता रहेगा तो चलाता रहेगा, लेकिन एक्चुअली में जो पूरा कोर्स, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचना है, उसका डायरेक्शन कहाँ से रहेगा, पूरा उसका जो जाने का रास्ता रहेगा वो कैसा रहेगा, वो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो वो जो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो लीडर्स होते हैं, लॉ ऑफ नेविगेशन, जो लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अच्छे से लेके जा सकते हैं। देखो, ऑथर बोलते हैं कि जो लीडरशिप होती है ना वो कई बार एक आर्ट होता है और कई बार एक टेक्निकलिटीज भी होती है। जैसे कि आर्ट मतलब लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये सब कई बार एक आर्ट होता है। आपका क्रिएटिव माइंड यूज करके आपको हैंडल करना पड़ता है कि कैसे आपको लोगों को हैंडल करना है, क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, क्या चीजें करनी है। और दूसरी तरफ एक टेक्निकलिटीज होती है कि स्पेसिफिकली ठीक है हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है ये तो पता चल गया, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे एक्जैक्टली जाना कैसा है। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो, कई बार क्या होता है, ट्रैवल एजेंट्स क्या होते हैं, वो लोग एक्जैक्टली आप लोगों का आपका पूरा ट्रिप बना के दे देंगे कि एक दिन आप यहाँ पे जाना, दूसरे दिन आप यहाँ पे जाना, तीसरे दिन यहाँ पे जाना, पूरा पैकेज बना के आप लोगों को भेज देंगे, वो भी एक काइंड ऑफ लीडर होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक लीडर्स वो होते हैं जो एक्जैक्टली आपको वो ट्रिप पे लेके जाते हैं, आप जो ट्रैवल गाइड जिसको बोलते हैं, जो आपको जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, जो आपको उस जगह पे उस दिन घुमाते हैं, मतलब ऑन द फील्ड्स रहते हैं और आप लोगों को अच्छे से घुमाते हैं, सब चीज करते हैं, वो अलग काइंड ऑफ लीडर होते हैं जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लीड करते हैं खुद उस प्रोसेस का पार्ट बनके। जैसे कि एक बार बोलते हैं, एग्जांपल देते हैं ऑथर, उनका एक दोस्त है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बहुत बार चढ़ा था। जो माउंट एवरेस्ट वो चढ़ते थे स्टार्टिंग में, वो सिर्फ चढ़ते थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे जो लोग होते हैं, जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, उनकी वो हेल्प करने लग गए। लाइक वो एक नेविगेटर बन गए, दूसरों के सपने जो थे वो हेल्प कराते थे, उसके जैसे वो खुश रह पा रहे थे और बहुत सारी चीजें अचीव भी कर पा रहे थे। वैसे ही अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना, तो कई बार आपको भी लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली कैसे लेके जाना है वो आपको पता होना चाहिए, टेक्निकली पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें की नीड होती है, कौन से जूते चाहिए। मतलब बस एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पूरा हवा में बोलने के लिए हाँ ठीक है आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, आपकी छुट्टी में आप ये कर सकते हो, ये भी बोलता है, ये एक विजन हो गया। लेकिन एग्जैक्टली आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना कैसा है, स्टेप बाय स्टेप उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ऑन द फील्ड क्या क्या चीज आपको चाहिए, ऑन द माउंटेन एक्चुअली क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब चीजें पता होना और उस चीज
में लीड करना एक अलग स्किल होती है जो कई बार एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, तभी आप अपनी कंपनी को, अपने लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, अपने गोल्स की तरफ लेके जा पाओगे अच्छे से। अच्छा, इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग बात ये बोलते हैं जॉन सी मैक्सवेल की, देखो कई बार लोग लीडर्स होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी लोनली एट द टॉप, लेकिन उसके लिए यही बोलते हैं कि आप ये वाला लॉ फॉलो करो। अगर आप दूसरों को, जैसे कि आप अच्छा लेवल पे पहुंच गए हो, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को भी अपने लेवल पे लेके आओगे, कई बार क्या होता है कि लोग ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं लेकिन फिर वो लोग बस वहीं पर रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लोनली फील होता है, बिकॉज वो लोग अकेले टॉप पे पहुंच जाते हैं, लाइक अकेले माउंट एवरेस्ट पे वो लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अच्छा लीडर बनना है तो जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं कि आपको है ना लोगों को नीचे से ऊपर लेके आना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग दूसरे लीडर्स बनाते हैं और दूसरों को नीचे से ऊपर लेके आते हैं, वही लोग एक्चुअली बड़ी बड़ी चीजें कर पाते हैं, खुश रह पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लोनली एट द टॉप, बिकॉज उन्होंने दूसरे लोगों को भी अपने साथ टॉप पे लेके आया है, और आपको भी एक ऐसी लीडर बनना चाहिए। फिफ्थ होता है लॉ ऑफ एडिशन। देखो जितने भी लीडर्स होते हैं ना, वो यूजुअली दो चीज करते हैं, या तो वो आपके अंदर एडिशन करते हैं या तो आपके अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डालते हैं, कुछ क्वालिटीज जो आपके अंदर नहीं थी वो डालते हैं, और कई बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कुछ क्वालिटीज आपके अंदर से निकाल लेते हैं। नाउ अच्छे जो लीडर्स होते हैं ना, वो लोग हमेशा एडिशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और ऐसे एडिशन पे जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए। कई बार जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने एम्प्लॉयज के अंदर अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं। वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। वो जिन लोगों के साथ भी मिलते हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उन्हें चीजें अच्छी सिखा देते हैं, उनको कुछ ना कुछ जहां पे भी वो दूसरों से मिलते हैं उन्हें ऊपर लेके आते हैं, थोड़ा उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और ऐसे ही अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको भी हमेशा एडिशन पे फोकस करना चाहिए, आपको दूसरे लोगों को ऊपर लेके आना चाहिए। जितना आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे उतने आप अच्छे लीडर बनते जाओगे। और ये चीज को करने के लिए आप चार चीज कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको, तो पहले आपको उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरों लोगों की वैल्यू ही नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि यार इसके ऊपर मेहनत करके कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आप उसकी वैल्यू ही नहीं करोगे तो आप लोग की लाइफ में वैल्यू ऐड ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको दूसरों की वैल्यू करने आना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि आपको अपने आप को भी वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद वैल्यूएबल इंसान नहीं हो, अगर आपने खुद आपके अंदर वैल्यूज नहीं है, तो आप दूसरों के अंदर वैल्यू कैसे ऐड करोगे। थर्ड चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि दूसरे लोग कौन सी चीजों की वैल्यू करते हैं, और आपको भी वो चीजें सीखनी पड़ेगी और उनकी लाइफ में, ताकि वो ऐसी वैल्यू आप ऐड कर सको। कई बार ऐसा लगता होगा शायद आप कुछ चीजों को वैल्यू करते होगे, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो किसी और चीज की वैल्यू करता होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो दूसरा इंसान है ना वो किस चीजों की वैल्यू करता है, ताकि आप उस हिसाब से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको। और फोर्थ वो चीज है, आप वो सारी चीजें करो जिनकी गॉड वैल्यू करता है, लेकिन ऊपर वाला जो इंसान आपको चीजें सिखाता है, लाइक अच्छा इंसान बनना, रिस्पेक्ट करना, अपने आजू बाजू वालों की रिस्पेक्ट करना, लव स्प्रेड करना, हेट नहीं स्प्रेड करना, ये सारी चीजें, ऐसी भी कई सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप एक वैल्यू ऐड करने वाला इंसान बन पाओगे, एक लीडर बन पाओगे अच्छे। क्योंकि अच्छे लीडर्स वही होते हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और उन्हें सर्व करते हैं। जब तक आप सिर्फ अपने आप को सर्व करने की सोचोगे, तब तक आप बहुत कम ही खुश रह पाओगे। लेकिन अगर आप जब दूसरों को सर्व करना स्टार्ट करोगे, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करोगे, तो आप अलग ही लेवल पे हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो और सक्सेस अचीव कर सकते हो। सिक्स्थ लॉ है द लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। बेसिकली एक अच्छा लीडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आपके अंदर ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझो आप एक लीडर हो और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रस्टवर्दी इंसान रहो ना। अगर सामने वाला इंसान आपको ट्रस्ट करेगा तभी वो आपकी बातों को फॉलो करेगा। अगर उसे लगेगा कि आप झूठे इंसान हो, आप सच नहीं बोलते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, तो कई बार वो आपको हल्के में लेगा और वो आपकी बातों पर बिलीव ही नहीं करेगा, और बातों पर बिलीव नहीं करेगा तो आपको फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा वो आप जो बोलोगे तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। सेकंड लॉ तो यही था ना कि लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। आप जितना इन्फ्लुएंस कर पाओगे उतना आप अच्छे लीडर बन पाओगे। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए भी अगेन आपको क्या होना पड़ेगा, आपको ट्रस्टवर्दी इंसान बनना पड़ेगा, आपको ऑनेस्टी अपनानी पड़ेगी। जितना आप सच बोलोगे और ट्रस्टवर्दी इंसान बनोगे उतना बड़ी बड़ी चीजें कर पाओगे। और ये जो ट्रस्टवर्दीनेस और ऑनेस्टी होती है ना, वो पिलर्स जैसी होती है। अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो तो आपकी जो पिलर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। वैसे ही अगर कोई भी कंपनी खड़ी करना चाहते हो, अगर आप अच्छे रिलेशनशिप चाहते हो, कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, तो आपके पिलर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वो पिलर्स कैसे स्ट्रांग हो, जब आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बिजनेस भी करना है, समझो कई बार लोग होते हैं सिर्फ देखा देखी में, हाँ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हाँ इस इंसान ने बहुत कुछ अचीव किया है, वो उसके साथ पार्टनरशिप में चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब काम करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो तो बड़ा झूठा इंसान है, वो तो बड़े धोखेबाज इंसान है। तो कई बार मेहनत करने के बाद भी उन्हें रियलाइज होता है कि ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। तो क्या होता है, लोग के अंदर ट्रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार बहुत इश्यूज होते हैं कि यार ये तो ज्यादा पैसा ले रहा होगा। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें ना फिर बड़े बड़े दरार क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी हो सकती थी वो बहुत छोटे लेवल पे ही गिर जाती है। इसलिए ट्रस्टवर्दीनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ट्रस्टफुल इंसान है, अगर आपके पास ट्रस्टफुल लोग है, तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे पास जितने भी लोग हैं, मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूं, वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी लोग हैं। मैं आग बन करके भरोसा कर सकता हूं मेरे पार्टनर पे और मेरे लोगों पे, बिकॉज मुझे पता है कि वो लोग बहुत ट्रस्टवर्दी है। इसलिए मुझे पैसे से रिलेटेड या सारी चीजों से रिलेटेड ज्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ता कि हाँ कितना इनकम हुआ, कितनी कमाई हुई, क्या हुआ। मैं वो सब चीजों से रिलेटेड इतना फोकस नहीं करता हूं, बिकॉज मैंने इतने ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ मैं काम करता हूं। और प्लस हम लोग जानते हैं कि हम लोग कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इसकी वजह से ही हम लोग बड़ी बड़ी चीजें बड़े लेवल पे कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग के अंदर इतना बड़ा ट्रस्ट है। अब ट्रस्टवर्दीनेस ऑनेस्टी लाने के लिए आपको तीन चीजें करनी पड़ेगी। पहला इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है, जो भी चीज आप बोलते हो उसे चीज को करना।
जितना आप जो बोलते हो और करते हो उतना आपकी इंटेग्रिटी बढ़ती है। सेकंड चीज आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ऑथेंटिक रहना पड़ेगा। जितना आप ऑथेंटिक रहोगे, जो आप हो वही बनने की कोशिश करोगे, ना कि प्रिटेंड करने की कोशिश करोगे, तो भी आपको लोग ट्रस्ट करेंगे। थर्ड चीज है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन बेसिकली वही होता है कि कोई भी चीज करना, भले से आपका मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी अगर आप वो चीज करते हो मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन है। और जिस इंसान के अंदर भी डिसिप्लिन होता है यूजुअली लोग उसे ट्रस्ट करते हैं। याद रखो ट्रस्ट इज एवरीथिंग। कोई भी बिजनेस तभी हिट होता है, लाइक आपके कस्टमर्स तभी आपसे कुछ भी खरीदेंगे। देखो कोई भी इंसान आपको पैसा तभी देगा, तभी आपको आपसे आपके प्रोडक्ट खरीदेगा, आपसे रिलेशनशिप में आएगा, जब वो आपको ट्रस्ट करेगा। अगर आपसे वो ट्रस्ट ही नहीं करता तो ना रिलेशनशिप बनेंगे, ना वो इंसान आपको पैसा देगा, ना कुछ भी होगा। इसलिए ट्रस्ट इज एवरीथिंग। ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। और उसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, ऑनेस्ट इंसान बनना पड़ेगा, ट्रस्टवर्दी इंसान बनना पड़ेगा। सातवां लॉ एक अच्छा लीडर बनने का है, लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। अगर एक इंसान है जिसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो वो अच्छा लीडर बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई बार लोगों को लगता है कि लीडर्स बस वही लोग बन सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनका बहुत ज्यादा नाम इज्जत है, वही लोग लीडर बनते हैं। बट ऐसा सच नहीं है। गांधी जी, मार्टिन किंग जूनियर, मदर टेरेसा, ये सारे लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए वो बहुत अच्छे लीडर्स बने, बड़े लीडर्स बने। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनो। और रिस्पेक्टफुल इंसान भी कैसे बनना चाहिए, पांच चीजें कर सकते हो आप एक अच्छा रिस्पेक्टफुल इंसान बनने के लिए। सबसे पहले आपको दूसरों को रिस्पेक्ट करना आना पड़ेगा। देखो रेसिप्रोसिटी का एक प्रिंसिपल होता है जो बोलता है कोई भी चीज अगर चाहते हो कि आपके साथ हो तो पहले आपको वो दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर आप एक सामने वाले इंसान से डिसरिस्पेक्टफुली बात करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो भी आपको गालियों से ही बात करेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान से कठोर इंसान के साथ भी रिस्पेक्ट से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो कठोर से कठोर इंसान भी कुछ टाइम बाद नरम हो ही जाएगा, आपसे अच्छे से ही बात करेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो सबसे पहले आप दूसरों के रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। दूसरा, रिस्पेक्टफुल बनने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। जो लोग ज्यादा करेज होता है, हिम्मत होती है, वैसे लोगों की बहुत ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग के अंदर करेज नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है, वो लोग बस वही करते हैं जो जमाना उन्हें बोलता है, ना कि वो करेज करके कुछ अलग हटके करते हैं। थर्ड, जिसके अच्छे सक्सेस रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव की होती है, कई बार लोग उनके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं बिकॉज उनके अच्छा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड मतलब दिखाता है, जेन्युइनिटी दिखाता है कि हाँ ये जेन्युइनली ये लोग अच्छे हैं, ये लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं, सो लोग उनके रिस्पेक्ट करते हैं। फोर्थ होता है लॉयल्टी। जो लोग लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं बेसिकली, वो लोगों की भी लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या है, झूठे हैं, अच्छे नहीं है, वो लोग लॉयल नहीं है और बहुत खराब इंसान है, इसलिए लोग उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर आप एक लॉयल इंसान बनते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। पांचवा, जो मैंने अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, वो ये है वैल्यू टू अदर्स। जो दूसरों की वैल्यू करता है, जो दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, लोग उनकी भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। आज मुझे भी थोड़ी बहुत जो इज्जत मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है बिकॉज मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं, बुक्स की बातें सिखा के और ऐसी अमेजिंग अमेजिंग बातें सिखा के, जिसकी वजह से वो लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे ना, तो लोग पक्का पक्का आपको भी एज अ लीडर देखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ये पांच चीजें आप करो ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट कर सके। और ये जितनी भी मैंने चीजें बताया, वो सारी चीजें अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप बहुत अच्छे लीडर बनोगे लाइफ में। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर वो करने जाऊंगा तो घंटों का वीडियो बन जाएगा, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं लीडरशिप के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे लीडर बन सको, तो एक बहुत ही अच्छी बुक है मैनेजिंग वनसेल्फ, जो मैंने पहले भी बताया। आप मैनेजिंग वनसेल्फ बुक को चेकआउट कर सकते हो। उसकी वीडियो बुक हमने रेडी करी है और अपने वेबसाइट पर लॉन्च करी है, जो अभी ऑफर में भी है, तो आप उसे जरूर जाकर चेकआउट करो, उस बुक की बातें सीखो, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। ये बुक काफी सिंपल है, काफी ईजी है, लेकिन बहुत पावरफुल है। एक क्लासिक बुक है जिसकी हेल्प से आप एक बहुत अच्छे मैनेजर और एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।